सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अगर मैं आप मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बोले तो कैसे उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर मैं नेट बैंकिंग यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, तो उसका यूजर पासवर्ड अगर मैं आप रखे हुए हैं तो उससे भी आप आके मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं, तो हम दोनों को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको प्ले स्टोर में आना है। आप प्ले स्टोर में SBI एनीवर को आपको डाउनलोड करना है, तो इसका लिंक हम नीचे दिए हुए हैं, आप वहां से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी हमारा है डाउनलोड, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा, आपको मांगेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो डायरेक्ट आके यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ अभी डालना नहीं है क्योंकि आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इसके लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो अगर मैं आप इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड जानते हैं तो फर्स्ट वाले पर क्लिक कीजिए, उसके बाद अपना यूजर आईडी डाल के, अगर पहले इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसमें रजिस्टर करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम वो बता देते हैं उसके बाद। तो जो यूजर आईडी है वो डालना है और पासवर्ड डाल के सबमिट करना है। तो देखिए अभी हम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं, उसके बाद हम सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट करेंगे तो आई एक्सेप्ट, इस पर टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद टिक मार्क लगाने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अलाउ करना है। यहाँ पे जैसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, यूजर आईडी में जो आपका यूजर आईडी होगा वो दिखाएगा और एक्टिवेशन कोड आएगा, उस कोड को इसमें फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो चलिए हम इतना फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा, अरे आपको ऑटोमेटिक वो बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड को आपका इंटरनेट बैंकिंग का है यहाँ पर आप डालेंगे। तो चलिए हम इसको डालते हैं अभी, और यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर हमेशा करना है तो लेयर पर क्लिक कीजिए। अगर मैं आपको एक एमपिन बनाना है, 6 डिजिट का एमपिन बनाना है, तो इनेबल न्यू पर क्लिक करिए, नाउ पर। उसके बाद यहाँ पे ऑफ रहेगा, यहाँ पे ऑन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने मनपसंद जो हमेशा याद करके रख सकते हैं यहाँ पर ये डालना है, और उसके बाद ये आई एक्सेप्ट, इस पर टिक मार्क लगाना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना बना लेते हैं। तो देखिए हमने अपना एमपिन को सेट कर लिया है और हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, इसमें हमको फिल करना है, ऑटोमेटिक फिल हो गया है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है और देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो गया, एमपिन सेट हो गया। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पे। अब हमको जब भी लॉगिन आना होगा तो हम अपना यूजर एमपिन डाल के आ सकते हैं।